इस वीडियो में हम गया से बोधगया की तरफ जा रहे हैं। गया बिहार का एक प्रमुख शहर है। बोधगया अंतर्राष्ट्रीय मैप पर एक प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल है। दोनों के बीच की दूरी 10 से 12 किलोमीटर की है, जो कि कैंटोनमेंट से होकर हम इस वीडियो में गुजर रहे हैं। इस वीडियो का मकसद शहरीकरण प्रक्रिया को समझना है। 5 साल पहले ज़्यादातर भूमि खेती की थी, पर आज की तारीख में इसे इंडस्ट्रियल जोन की तरफ विकसित किया जा रहा है। ज़्यादातर दुकानें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन या एग्रीकल्चर आधारित हैं। जमीन के दाम यहाँ पर काफ़ी बढ़ चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिसमें होटल्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में बनाए गए हैं और जिनकी संख्या बढ़ेगी। डोभी यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि दिल्ली कोलकाता को जोड़ने वाली GT रोड नेशनल हाईवे पर स्थित है। बिहार सरकार ने इसे मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। अभी फ़िलहाल दुभान पर पहुंच चुके हैं। डोभी यहां से 25 किलोमीटर आगे सीधा पड़ता है। दाहिने तरफ कुछ गांव हैं, जहां पर रिहायशी इलाके, मकान वगैरह काफ़ी तेज़ी से बनाए जा रहे हैं। बाएं तरफ का रास्ता आपको बोधगया ले जाएगा, जो कि यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आर्थिक संभावनाओं और पर्यटन स्थल होने के कारण बोधगया के आसपास शहरीकरण की प्रक्रिया को रोकना नामुमकिन है। इस प्रक्रिया के कारण यहाँ के लोकल्स की ज़िंदगी किस तरीके से प्रभावित हुई है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस समय बोधगया पहुँच चुके हैं। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन काफ़ी प्रभावशाली है। आमतौर पर महानगरों में भी ऐसे डिज़ाइन बमुश्किल ही मिलते हैं, पर जिस तरीके से सड़कों का, नालियों का, मकानों का, इमारतों का, बेसिक सिविक अमेनिटीज़ का डिज़ाइन दिख रहा है, वह कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। आज से 43 साल बाद ये 2-3 किलोमीटर रेडियस का छोटा सा शहर जब 6 किलोमीटर रेडियस का हो जाएगा तो काफ़ी कंजस्टेड और अनसस्टेनेबल होगा। ये वहाँ की मेन सड़क है। यहाँ पर आपको होटल्स मिलेंगे या मोनेस्ट्रीज मिलेंगे। इस वीडियो में हम किसी भी मोनेस्ट्री या मंदिर में नहीं जाएंगे। यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर महाबोधि मंदिर है। सड़क के दोनों तरफ जो आपको दुकानें दिख रही हैं, इन दुकानों को पहले महाबोधि मंदिर के सामने लगाया जाता था, पर इन्हें अब शिफ्ट कर दिया गया है ये 200 मीटर के डिस्टेंस पे। कारण था सिक्योरिटी रीजंस और मंदिर को ज़्यादा दिन तक कंजर्व करना। आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर काफ़ी सारे निर्माण कार्य हुए हैं मकानों के, बिल्डिंग्स के, लेकिन वो काफ़ी हैपजर्ड मैनर में है। अगर आप फल्गु नदी के किनारे से होते हुए गया जाओगे तो उस रास्ते में भी आपको हैपजर्ड मैनर में कंस्ट्रक्शंस दिखेंगे, जो कि आने वाले समय के लिए चिंताजनक हैं।